Dear SLS, Assalamu alaikum dear SLS students. Today we will start our lecture number 17 or again exercise 2E ko hum jo hai wo complete karenge. जी तो प्यारे बच्चों, पेज नंबर हमारा 93 है. क्वेश्चन नंबर 4 से आज हम स्टार्ट करेंगे. हमारा डिवाइजर है 6. हम 6 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे ताकि हमारे पास 42 आ जाए. इसको आप टेबल के ऊपर, इस टेबल को आप बोर्ड पे भी देख सकते हैं. जी 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 36, 6 are 36, 6 7s are 42. यानी कि किस नंबर पर 42 आ रहा है आपका? 7 पे. इसलिए आपका आंसर होगा 7. 42 के नीचे 42 राइट करेंगे और माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा. 8 का टेबल पढ़ेंगे. 8 1s are 8, 8 2s are 16. ये 16 आपने वो राइट किया जो आपने टेबल पढ़ के लिखा. 16 में से जब 16 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा. 5 का टेबल बोलेंगे. 5 5 5s are 25 और आपका रिमाइंडर विल भी 0. आपके पास 0 बच जाएगा. 4 का टेबल बोलेंगे. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 24, 6 are 24, 4 7s are 24 and 4 9s are 36. यानी कि 4 का टेबल आप 9 तक पढ़ेंगे तो आपके पास 36 आएगा और आपका रिमाइंडर 6 में से 6 माइनस के लिए 0 और 3 में से 3 जब माइनस होके 0 हो जाएगा. अगेन वी विल स्टार्ट 9 का टेबल. जी तो बच्चों, 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27. तो आपका आंसर किस क्या आ रहा है, यानी कि आपका क्वेश्चन आ रहा है 3. 9 3s are 27, 27 में से 27 माइनस करके 0 हो जाएंगे. 6 का टेबल बोलेंगे. इसी तरह 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 36, 6 7s are 42 और 6 8s are 48. यानी कि आपके पास 8 जो है डिजिट क्वेश्चन में आएगा. जी बच्चों, 6 8s are 48 और 48 में से जब 48 ही माइनस होके 0 हो जाएंगे. 7 का टेबल बोलेंगे. 7 2s are 14 और रिमाइंडर हमारे पास 0 हो गया. इसी तरह 8 का टेबल बोलेंगे. 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40. आपका 8 5s are 40 और 40 में से 40 माइनस होके 0 हो जाएगा. इसी तरह 8 का टेबल अगेन. 4s are 32 हो जाएगा और माइनस होके 0 हो जाएगा हमारे पास. 8 8s are 64. 4 में से 4 माइनस करेंगे 0 और 6 में से भी 6 माइनस होके हमारे पास 0 हो जाएगा. इसी तरह 9 का टेबल अगेन रिपीट करेंगे. 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45, 9 6s are 54. 6 हमारा क्वेश्चन होगा और 54 में से जब 54 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा. 7 5s are 35 और आवर रिमाइंडर विल बी 0. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5. जी प्यारे बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है साथ में करेंगे. डिवाइड एंड राइट द रिमाइंडर. आपने जो अगर डिवाइड इक्वली ना हो रहा हो तो हमने वो लेस नंबर राइट करना होता है. 5 का टेबल बोलेंगे. 28 आ जाए. 5 5s are 25 होता है और 5 6s are 30 हो जाता है. जी तो प्यारे बच्चों, आप देखें 5 5s are 25 जबकि डिजिट हमारे पास क्या है 28. अब आप देखें 5 6s are 30 हो जाता है. 38 जो है वो 28 से जो है 30 इंक्रीज हो जाता है जबकि हमने 28 के नीचे अगर इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा तो हमने इसके नीचे लेस नंबर लगाना है. दैट विल बी 25. वी विल राइट 5 5s are 25. अब आप देखें 8 में से 5 माइनस करेंगे 3 और 2 में से 2 माइनस होकर 0 हो जाएगा. आवर रिमाइंडर विल बी 3. 4 का टेबल इसी तरह स्टार्ट करेंगे. जी 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16 और 4 5s are 20. अब 20 19 से बढ़ जाता है. अब हमने 20 से पीछे जो नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 16 नंबर आ रहा है. हम क्या राइट करेंगे? 16. हमने 16 राइट किया, ठीक है. 4 4s are 16 क्योंकि 20 जो है 5 से ज़्यादा बढ़ जाएगा. इसलिए 9 में से फिर जब हम 6 माइनस करेंगे 3 और 1 में से 5 माइनस होकर 0 हो जाता है. अवर रिमाइंडर विल बी 3. अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे 7 1 3 का टेबल हमने स्टार्ट करना है. 3 7s are 21 और 3 8s are 24.
जी तो प्यारे बच्चों 37s are 21 हो रहा है, जबकि 38s are हमारे पास 24 आ रहा है, जो कि 24 जो है वो 22 से इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हमने माइनस करना होता है तो हम लेस नंबर के नीचे ग्रेटर नंबर राइट नहीं कर सकते, इसलिए हम लेस नंबर ही राइट करेंगे 21। जी 37s are 21, 2 में से जब 1 माइनस करेंगे 1 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। इसी तरह 66s are 24 होता है और 67s are 28 हो जाता है, 28 इंक्रीज हो जाता है, इसलिए हमने लेस नंबर राइट किया, डैट विल बी 24। और फिर जब 7 में से हम 4 माइनस करेंगे, हमने माइनस का प्रोसेस 1 से स्टार्ट करना है, और तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 हमारा रिमाइंडर और 6 हमारा क्वेश्चन। जी बच्चों अब आप 6 का टेबल पढ़ेंगे ताकि हमारे पास 30 आ जाए। 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30। ठीक है, अब हमारे पास 30 के नीचे इक्वल जो है 30 आ गया, और हमने जब माइनस किया तो हमारे पास रिमाइंडर 0 हो जाएगा। 7 का टेबल बोलेंगे, 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28 and 7 5s are 35। ठीक है जी, तो बच्चों अगर आप इसको देखेंगे बोर्ड पर, 7 5s are 35 and 7 6s are 42, 42 जो है वो हमारा 37 से बढ़ जाता है, इसलिए हम लेस नंबर 35 ही राइट करेंगे। जी 7 5s are 35, जब 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, और 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0, और हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 2। 5 का टेबल स्टार्ट करेंगे, 5 6s are 30, 5 6 are 36, 36 जो है वो 33 से इंक्रीज हो रहा है नंबर, इसलिए हम लेस नंबर राइट करेंगे, 6 5s are 30, 3 में से 0 माइनस करेंगे तो 3, और 3 में से 3 अगेन 0 हो जाएगा, और रिमाइंडर विल बी 3 एंड क्वेश्चन विल बी 6। इसी तरह 8 का टेबल स्टार्ट करेंगे। जी तो बच्चों 8 का टेबल स्टार्ट करें, 8 3s are 24 and 8 4s are 32, बढ़ जाता है, जबकि हमें 25 से लेस नंबर लगाना है, डैट विल बी 24। सो वी विल राइट 8 3s are 24, और जब 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1, और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0, तो अवर रिमाइंडर विल बी 1 एंड क्वेश्चन विल बी 3। तो बच्चों ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो हैं, आज आप बुक के ऊपर सॉल्व करेंगे और इन्हीं की प्रैक्टिस भी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।